हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉन, आप देख रहे हैं जॉन टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपने एक और नई वीडियो में। और गाइस, ये है हीरा 4 मिनी, ये है ज़ेब्रॉन इसका 9102 प्रो। ये आता है भाई 250 वॉट्स, ये आता है 240 वॉट्स। और ये है टावर स्पीकर्स, और ये भाई मैंने फ्लोबिट से खरीदे हैं 10,000 रुपये के, ठीक है। और इसकी लाइट अभी देखो अभी सही चल रही है, ये थोड़ी देर बाद डिम हो जाएगी। और ये ज़ेब्रॉनिक्स वाले को शायद अपने पास 2 महीने हो चुके हैं, ये अभी भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेरे को भाई लाइट से कोई दिक्कत नहीं, साउंड इसकी सही है, तो मेरे लिए ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। और इसमें तो भाई कुछ खराब हुआ ही नहीं, तो इसके लिए भी थम्स अप, इसके लिए भी थम्स अप। ये आता भाई 8-8 इंच के, 4 वूफर्स के साथ, ठीक है। सामने इसमें 2 मिड ड्राइवर्स हैं, इसमें सामने 4 यूनिट्स हैं जो कि मिड ड्राइव्स हैं। और इसमें आता है 6.5 इंच का वूफर जो कि एक अल्टीमेट आउटपुट देता है, जैसे मैंने आपको बताया भाई ये 240 वॉट्स का। अब दोनों को कॉम्पिटिशन फेयर रखने के लिए मेरे को ये ज़ेब्रॉनिक्स वाला भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ा टीवी के साथ, क्योंकि भाई इस वाले में ना तो ऑप्टिकल का ऑप्शन है ना HDMI का ऑप्शन है। इसमें एक अच्छी बात लगी भाई, मूवी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इसका, जो कि मेरे को मतलब हैरान करने वाली बात थी मेरे लिए, क्योंकि ओबेज वाले में मूवी के टाइम इतना मजा नहीं दे पा रहा ओबेज वाला मूवी में, लेकिन भाई हीरा ने तो दिमाग ही हिला दिया। अभी मैंने बात भी करी थी उनसे थोड़ी सी कि भाई जी ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मेरे को बताया, कस्टमर केयर का नंबर दिया। अब ले यार, लेकिन लाइट ही अपने आप ठीक होगी, अब क्या बात करूं मैं, है ना। हो सकता है तार वार ढीली होगी हो, कुछ हो गया हो। चलो यार छोड़ो, ये सब बातें होगी, अब अपना साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड बार की तारीफ करी जाए उतनी कम। तो अब कनेक्ट करते हैं अपने प्यारे हीरा 4 को, हीरा 4 मिनी को।
क्योंकि भाई प्रो और फोर तो भाई अलग ही है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा से एक मॉडल और खरीद लिया जाए इनका। तो अब फटाफट अपने हीरा फोर मिनी को कनेक्ट करते हैं। और गाइस जैसे अभी मैं काफी दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि फर्क, हाँ भाई लाउडनेस में फर्क है। तो अब मेरे हिसाब से आपको भी पता लगेगा कि भाई हीरा फोर मिनी लाउड एंड थोड़ी बेस ज्यादा है। वादे के हिसाब से तो लाउड है गाइस, भाई। हमने अपना हीरा फोर मिनी को कनेक्ट कर लिया है और वॉल्यूम आपको दिखा देता हूँ मैं एक ये बार। वाला वॉल्यूम वाला है, इसका रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वॉल्यूम करते हैं, उसकी 32 पे थी, इसकी मैक्स ना 50 जाती है, तो उसके हिसाब से मैं इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी 35-36 पे करूँगा, ठीक है? तो ताकि थोड़े दोनों में गैप कवर हो पाए। पहला गाना प्ले करते हैं। वॉल्यूम यार थोड़ी बढ़ा रहा हूं मैं। गाइस ये जो हमारा गाना भाई अभी से नहीं कभी से ही ये वाला गाना जो भाई हमेशा से मैं यूज करता हूँ इसको मैक्स वॉल्यूम भी, क्योंकि भाई इसकी बेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस गाने में। तो अब इसको बजाते हैं भाई, और मेरे को बेस यार फील करनी है, मुझे नहीं पता। ओ भाई मजा आ गया सच में, जबरनिक्स वाले से थोड़ा लाउड है। भाई सच में है भाई, फ्लो बीट्स में बात है। अपने वादे के हिसाब से बेस इसमें है ज्यादा। मैक्स वॉल्यूम पे जो पीक वॉल्यूम है ना इसकी, वो ज़ेब्रोनिक्स वाले को पीछे कर रही है। तो मेरी तरफ से दोनों स्पीकर्स को थम्स अप मेरी तरफ से भाई, इस बार कोई फेल नहीं हुआ, दोनों को भर भर के प्यार। चलो यार तुम भी वीडियो को प्यार दिखा दो, कैसे? लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और तुम्हें भाई ये बता दो तुम्हें इन दोनों में से अच्छी साउंड किसकी लगी, ठीक है? अगर बुरा होता है तुम्हें बता भाई, तुम्हारा भाई बहुत बुराई करता है चीजों की, लेकिन ये सच में बुरा नहीं निकला यार। वेरी गुड फ्लोबिट्स, वेरी गुड ज़ेब्रोनिक्स। और वहां पे रखा है भाई अपने गोवो, दिखा देता हूँ एक बार। ढक्के में यार मिट्टी जम जाती है ना, तो ये देखो ये वाइट ब्लैक, तो इसकी वीडियो बनेगी। और हाँ जी, तो अब मंडे से ना आउटडोर और पार्किंग टेस्ट वाली
साउंड टेस्ट वाली वीडियोस घेरूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड कर लिए मैंने, बस अपलोड करने की बात है। तो मंडे से पार्किंग वाले साउंड टेस्ट अपलोड होंगे, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।